वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान से एवं महिला विंग की चेयरपर्सन सना उपाय की अगुवाई में बिना के स्थित रीजनल सेलिब्रेशन हॉल में एक दिवसीय हुनर मेला आयोजित किया गया था। इस समय मेमन समुदाय की महिलाओं ने यहां स्टॉल लगाए थे। महिलाओं में कई व्यवसायिक गुण होते हैं, लेकिन सामाजिक पाबंदियों के चलते वह अपने व्यवसायिक कौशल्य को दिखा नहीं सकती है, या यूं कहे कि प्लेटफॉर्म की कमी से वह अपना हुनर नहीं दिखा पाते, जिसके चलते वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान से एवं महिला विंग की चेयरपर्सन सना उपाय की अगुवाई में बिना किसी रीजनल सेलिब्रेशन हॉल में एक दिवसीय हुनर मेला आयोजित किया गया था। इस समय मेमन समुदाय की महिलाओं ने यहां स्टॉल लगाए थे, जहां कपड़ों से लेकर खान पान की चीजें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स सभी चीजों के स्टॉल इस समय महिलाओं ने लगाए थे, जिसका उद्घाटन बिल्किस बावला, जमीदा तवक्कल, शरीफा कुंजानी, नरकेश बनानी, यास्मित उपाई आदि की मौजूदगी में संपन्न हुआ, जहां इस प्लेटफॉर्म के लिए महिलाओं ने आयोजिका सना उपाय को धन्यवाद दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीजा रऊफ पारिक, मेरा ब्रांड है जायशा कलेक्शन। मैं घर से डील करती हूँ इंडियन एंड पाकिस्तानी सूट्स। ये जो एग्जीबिशन है, ये हम लेडीज़ के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम एक्चुअली बाहर आके कुछ सेल कर सकते हैं और हमारे को एक क्लाइंटेल मिलता है, जिससे हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों में जाने जाते हैं और हमारी एक पहचान बनती है और हम अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। यही हमारा एक उद्देश्य है कि हम एग्जीबिशंस में अगर लगाते तो हमारी कोई ऐसी वो नहीं है कि हम अपने आप की वो करते, हम अपने प्रोडक्ट्स की वो करते और अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू हम सेल करके अपनी एक इमेज बना रहे हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह खैर। हेलो, माई सेल्फ बुशरा डोसानी फ्रॉम तवक्कल फैब्रिक्स। मेरा पाकिस्तानी ड्रेसेस का काम है और थैंक्स टू सना उपाई मैम, जो इतना अच्छा फंक्शन, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी हमारे बिज़नेस को प्रमोशंस मिले हैं, काफ़ी लोग हमसे जुड़े हैं, काफ़ी लोगों को हमारे ड्रेसेस के बारे में, हमारे बिज़नेस के बारे में पता चला है। थैंक यू सो मच। हेलो, मैं हूँ सना मुतमन, आर्टिस्ट, सना प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। शांतिनगर में मेरी न्यूली ओपन हुई है मेकअप अकेडमी, जहाँ मैं क्लासेस भी लेती हूँ और हम लोग की ब्यूटी अकेडमी, ब्यूटी की सारी सर्विसेज है जो स्पेशली लेडीज़ के लिए है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने बहुत सारे ऑफर्स भी निकाले हैं आप लोगों के लिए, आके हमें प्लीज़ ज्वाइन करिए और हमारी क्लासेस में भी आइए। हमारा मेकअप और सारा आपको हमारे ब्यूटीज़ बाय सना मेकअप अकाउंट पर मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पर भी जाके मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। थैंक यू। इस समय जानकारी देते हुए इस कार्यक्रम की आयोजिका महिला विंग की चेयरपर्सन सना उपाय ने खुशी जाहिर की और उन्होंने समाज से अपील की कि हम महिलाओं को बिगाड़ना नहीं तो सक्षम बनाना चाहते हैं, इस नेक कार्य में हमारा सहयोग करें, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, यूं तो महिलाएं सभी गुणों में निपुण होती है और उनमें से एक बड़ी पसंदीदा चीज़ उनकी होती है व्यवहार, लेकिन कई बार जो है कई पाबंदियों की वजह से वो अपने व्यवहार का जो है व्यवहार गुण का उपयोग नहीं कर पाती, जिसको प्लेटफॉर्म देने के लिए सना उपाय मैम ने जो है हुनर मेले का आयोजन किया है। आज वो हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपको ऐसा क्यों लगा कि हुनर मेले का आयोजन करना चाहिए और ऐसी कैसी कल्पना आपके मन में आई? मेरा कल्पना इन द सेंस ये काफ़ी टाइम से चल रहा था कि हमारी कम्युनिटीज़ स्पेशली मेमन्स, हम लोग जो है ना बहुत प्रोटेक्शन में और बहुत ही गार्डर्ड, जैसे शेल्ड रहते हैं, ईजिली जल्दी बाहर निकल के नहीं कर पाते। तो मेरा इंटेंशन था कि भाई हमारे माहौल में, हमारी लेडीज़ को फ्री एटमॉस्फियर में काम करने का एक प्लेटफॉर्म मिले, जिसमें हर प्रकार का हुनर, किसी का कुछ बिजनेस है, किसी का है कोई ब्यूटीज़ है, कोई क्लाउड किचन चलाती है। अभी जैसे रमज़ान आने वाले, रमज़ान के पहले पहले वुमेन्स डे के उपलक्ष में मुझे करने का था। मेरा मेन मोटो है वुमेन एम्पावरमेंट, किसी पे डिपेंड ना रहे, अपना बिजनेस ग्रो करे और उनको अच्छा एक्सपोजर मिले। मैम, कितने स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं? पूरे 29 स्टॉल्स लगे हैं। और आपने मतलब किस प्रकार से इन्हें इंडिकेट किया कि किस प्रकार से आपने जमा किया है और कहां कहां से इन्फॉर्मेशन निकाली कि यहां ये महिलाएं जो है घर से ही वर्क कर रही है? मुझे पता तो था कि हमारी कम्युनिटी में भी कुछ बहनें, मेरी ख्वातीन जो है ऑनलाइन बिजनेस करती है, कोई किसी का क्लॉथ का था, किसी का क्लाउड किचन था, अंदाजा तो था। बट सबसे पहले मैंने हमारी कम्युनिटी में अप्रोच की कि भैया मैं ऐसे प्लान कर रही हूँ हुनर मेला और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बाहर आए, आपको एक अच्छा ओनली लेडीज़ का प्लेटफॉर्म मिले कि आप लोग का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। तो इसलिए ओनली लेडीज़ के स्टॉल्स का ये पहले बेसिक शुरुआत की हूँ और इंशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम साल में दो बार करेंगे
और फिर इसका लेवल थोड़ा बढ़ाते जाएंगे हर बार। आज जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, इसका जो है उद्घाटन किनके हाथों से किया है, कौन आज जो है प्रमुख अतिथि के रूप में आप उपस्थित? प्रमुख अतिथि के रूप में मैंने अपने जो फर्स्ट लेडीज, जैसे प्रेसिडेंट की वाइफ जो रहती है, पिछले 30 साल में जो भी थी, मिसेस बिल्किस भाई बावला, मिसेस हमीदा भाई तवक्कल, मिसेस शरीफा भाई पुंजानी, अभी प्रेसिडेंट मिसेस नरगिस भाई बनानी, क्यों तो अब ये मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ तो मेरी मदर इन लॉ तो नहीं है, उनकी जगह मैं अपनी जिठानी मिसेस यास्मिन भाई ओपाई और हमारे दूसरे जो है हमीदा भाई नागानी, ये सबको लेके हमारी समाज की बड़ों की दुआओं के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ, उनकी परमिशन के साथ ये शुरुआत की, हमने उद्घाटन किए हैं। मैसेज इसके पीछे ये है कि हम ये प्लेटफॉर्म हमारे जो बहू बेटियाँ बहनें, एक काफ़ी एजेड आंटी भी है, उनको बिगाड़ना नहीं है, उनको अच्छा सेल्फ डिपेंडेंट करना है अच्छे वातावरण में, इसीलिए हमारी कम्युनिटी की वडील जो हम कहते हैं उनके साथ यही इनॉग्रेशन की मैंने। दर्शकों, महिला सशक्तिकरण के साथ ही जो पाबंदियां है, कहीं ना कहीं समाज में कई पाबंदियां महिलाओं को है और महिलाओं को पाबंदियों के बतौर उनका जो है पूरा सशक्तिकरण नहीं हो पाता, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से वो भटक जाती है। उसी उद्देश्य से जो है सना उपाय मैम ने जो है ये बहुत ही सराहनीय कदम यहाँ उठाया है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, हर प्रकार के यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, ड्रेसेस जो कि काफ़ी सुंदर ड्रेसेस यहाँ लगे हुए हैं, महिलाएँ बड़ी ही तन्मयता से यहाँ काम कर रही है, साथ ही साथ जो है एक व्यवहार और व्यवहार कुशलता उनके काम में दिख रही है, उनके कार्य कुशलता में दिख रही है। और वाजिब है कि जो है एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद सभी जो महिलाएं हैं कहीं खुश दिखाई दे रही है और उनके मन में जो है खुशी बतौर जो है इस काम के झलक रही है। तो दर्शकों, देखते हैं महिला सशक्तिकरण का ये जो कदम उपाय मैम ने उठाया है, इसका क्या असर समाज में पड़ता है और मेमन समाज इसको किस नज़र से देखता है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC न्यूज़ के लिए नागपुर।